सुमित, सबसे पहले जानना चाहेंगे, ऐसी कुछ खबर आ रही है कि चूंकि लॉकडाउन बढ़ गया है और उसकी वजह से वहां पर लोग 180 मेंबर्स वहां पे उमरगांव में फंस चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे आप, पहले क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये इन दिनों जो सिचुएशन है जिस हिसाब से ध्यान रखा जा रहा है, जो मैं देख रहा हूँ आसपास, हमारी प्रोडक्शन टीम हो, हर एक इंसान हो हमारे आसपास, जिस तरीके से हर एक का ध्यान रख रहा है, हर एक इंसान कोऑर्डिनेट कर रहा है कि कौन लोग है जो प्रिकॉशंस फॉलो कर रहे हैं, कौन है जो नहीं कर रहे हैं, कौन जो नहीं कर रहा है उसको कैसे समझाना है, यहाँ से लेकर हर एक बात चालू हो रही है। अभी हाल ही में सुना गया कि उमरगांव में एक केस मिला है, उमरगांव के आसपास वलसाड में सुनने में आया था, तो एवरी अपडेट वी आर डिस्कसिंग ऑन अ ग्रुप, हर एक चीज, हर एक मोमेंट जो इस चीज के ऊपर हो रही है वो यू नो मैप कर रहे हैं हर एक चीज हम, और उसके हिसाब से हर एक प्रिकॉशन हम ले रहे हैं। बिल्डिंग पे नीचे गेट लगा दिया गया, एक्स्ट्रा गेट लगा दिया बाम्बू का, जहाँ से कोई किसी को बाहर जाने नहीं देते, आने भी नहीं देते। छोटी 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 ऐसी 100 चीजें हैं, स्पेशली इन लॉकडाउन के दिनों में ऐसी चीजों में सबसे डिफिकल्ट पार्ट है कि कुछ अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो वो कैसे आपके लिए अवेलेबल करना है, तो वो करने के लिए भी लोग यहाँ पे मिल के बात करते हैं फोन पे, दे डिस्कस इट ग्रुप पे, हर एक चीज का डिस्कशन होता है, और हर एक इंसान ऐसा है यहाँ पे हु इज टेकिंग दिस सीरियसली, और बहुत अच्छे से हैंडल किया जा रहा है स्वास्थ्य प्रोडक्शन पर्सनली। जी, हमारा वही सवाल था कि चूंकि आपने कहा कि इस लॉकडाउन के दौरान सबसे बड़ी समस्या है कि ग्रोसरी की जरूरत पड़ती है लोगों को, चूंकि भोजन की जरूरत पड़ती है, तो वो कैसे प्रोड्यूसर लेवल पर किस तरह से मदद हो रही है और कैसे आप लोग तक पहुंच रहा है? मैंने कहा ना, मेरी शुरुआत ही मेरे बात की यहाँ से हुई कि स्वास्थ्य प्रोडक्शन इज हेल्पिंग एंड द वे यहाँ पे यूनिटी है इस चीज को लेके, इट्स समथिंग विच इज वेरी वंडरफुल यहाँ पे स्वास्थ्य प्रोडक्शन एंड एवरीबडी हु इज कोऑर्डिनेटिंग विद स्वास्थ्य प्रोडक्शन, एवरीबडी इज हैप्पी डूइंग दिस विद हेल्पिंग पीपल, सो पीपल आर हैविंग दिस आइडिया दैट यू नो वी विल हेल्प एवरीबडी whoever needs help and we are here in these tough times, you know. We'll see to it later whatever it is, but then in today's date everybody is helping whoever requires help, whatever help it is, and whether it be moral support as well, kuch koi hota hai, you know, some people are left alone, some people feel lonely at times, even that, if that is the case us cheez ka bhi dhyan rakha jaye. If there's anybody who is financially suffering, yeah. If that is the case, उसका भी ध्यान रखा जा रहा है. Everybody, not just Swastik production, but every single human being here. But otherwise, groceries हो, ये सारी चीजें हो, हर एक चीज में the production is always there. If there's anything which I don't have, which I really need, production make sure that I get it. सुमित, घर से भी लोग चिंतित होंगे, निकल नहीं पाए आप लोग, क्या वजह थी आप लोग, मतलब चूंकि शूटिंग 18 से ही बंद हो गया था तो आप लोग निकल नहीं पाए, किस वजह से आप लोग वहां रुक गए? आप मुझे किसी ने स्टार्ट में बताया नहीं था कि ये लॉकडाउन इतना लंबा चले। व्हाट आई थॉट इज दैट 7 दिन का कुछ 11-12 दिन का है लॉकडाउन, 20 तारीख तक है ना, पहले तो वही न्यूज आई थी, सो व्हाट आई थॉट इज दैट आई विल स्टे हियर, क्योंकि 3-4 दिन से we were like working and at the same time बहुत hectic हमने शूट किया था, जब पता चला था कि हमें छुट्टी लेनी पड़ सकती है इतने दिन की, तो हमने बहुत hectic शूट किया था, जो करते 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 जो थकते रहते थे, तो मैंने सोचा कि मैं 3-4 दिन यही रहूंगा, मूवीज देखूंगा, after that I'll go to Pune for 7-8 days. Then it's all sorted. But then came Janta Curfew, which was on 22nd Sunday. So, मैंने बोला फिर 22 तारीख को एक दिन का जनता कर्फ्यू है, मैं 23 तारीख को चला जाऊंगा, पर वो 22 से जो शुरू हुआ, फिर उसके बाद मुझे बोले कि ट्रैवल करो ही मत, फिर एक पॉइंट के बाद डैड भी बोले, बिकॉज ही वॉज कंसर्न अबाउट मी ट्रैवलिंग, पुणे इज लाइक 7-8 आवर्स फ्रॉम हियर, ही सेड दैट स्टे देयर
इफ थिंग्स फील राइट विल डिस्कस अकॉर्डिंगली एंड देन कम टू पुणे अकॉर्डिंगली। तो फंसे तो है नहीं, फंसे ऐसा लगता है फंसे कि गलत जगह पे है। वी थिंक माई फैमिली थिंक्स एवरीबडी थिंक्स दैट उमरगांव इज अ वेरी सेफ प्लेस टू बीइंग टेकन केयर ऑफ। एक तरह से आप ऑब्वियसली अपनी फैमिली के साथ ही हैं, कहा जाए तो, मतलब रियल लाइफ की यही फैमिली के साथ ही हैं। यही मैं कहना चाहता हूँ कि फैमिली के साथ है, तो मैं ये नहीं कहूंगा मैं फंसा हूँ, मैं बस ये कहूंगा कि माँ बाप से दूर हूँ, जी, दैट्स द ओनली थिंग। बिकॉज तो माँ बाप दैट्स की चिंता तो रहती है, तो माँ बाप क्या कह रहे हैं और आप उनको किस द तरह से। ओनली थिंग, क्योंकि मैं यहाँ पे रहता हूँ तो मैं मॉम डैड देयर पुणे ना, सो दे फील वेरी वरीड। तो जस्ट फॉर द सेक आई फील दैट आई शुड हैव बीन देयर, सो दे नो दैट आई एम सेफ, सो दे नो दैट आई एम ओके एट होम। पर वो कोई नहीं, एवरी डे व्हेन आई वेक अप बिफोर आई स्लीप आई ट्राई टू टॉक टू देम 2 to 3 times, दैट मेक्स देम गेट यूज्ड टू इट, देन दे आल्सो बिलीव पीपल हियर अराउंड मी हियर दे नो दैट दे विल टेक केयर ऑफ मी, सो दैट्स समथिंग व्हिच इज रियली गुड। चलिए सुमित, लास्टली क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस लॉकडाउन को, वैसे ही जो भी लोग और हैं जो नहीं मान रहे हैं इस चीजों को, उनको कुछ कहना चाहेंगे लास्टली। देखिए मैं क्या कहूँ ऐसे लोगों को जो फॉलो नहीं कर रहे, आई थिंक सो। देखिए ये चीज हर एक को करनी चाहिए, बहुत जरूरी है, नहीं करोगे तो क्या हो रहा है वो हम देख रहे हैं, और जिसको नहीं करना है वो तो बस आग पे पट्टी बांध के इन चीजों को बढ़ावा ही दे रहे हैं। और मैं तो कहीं हर एक घर जाके या कोई हर एक के घर जाके बोल नहीं सकता कि भाई घर रहो यार, समझो यार, जो नहीं समझेगा ही विल cause damage to himself as well as others, and the only solution to this is that you understand yourself and make your people understand. जो नहीं सुनेगा, we can't do anything about it. ओके, थैंक The यू सो मच। government is taking care of it, I feel, and I think so they are doing it well. और आपके सामने में जैसे मलिका हैं, आप हैं, और कौन कौन आर्टिस्ट जो भी नहीं जा पाए वहीं पर निमाई उमरगा जी में। है, निमाई जी भी यहाँ पे रहते हैं, निमाई बारी जी, जी हाँ जो उग्रवत प्ले करते जी हैं जी हमारे, जी तो चलिए, हमसे बात करने के बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। चलिए ठीक है। टेक केयर।